योग किसको कहते हैं? जो आप पाद पश्चिमोत्तानासन लगा रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, उसको योग कहते हैं? वो योग नहीं है। योग किसको कहा गया? योग न तो स्वर्ग में है, न धरती पर है, न पाताल में है। योग टेलीविजन में कई बाबा लोग सुबह 4-5 बजे से योग करा रहे हैं, क्या उसको योग कहेंगे? वो योग का एक अंग है, वो आसन कह सकते हैं, उसको योग नहीं कह सकते। योग तो उसको कहते हैं एक्यम जीवात्मनोरागुरु योगम योगो विशारदः, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, उसको कहा गया है योग। और इतना आसान नहीं है। तत्प्रत्युहाषणाख्याता योग विघ्न कारकानगः क्राम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इति संज्ञकाः। जो व्यक्ति योग करने जाता है उसको ये 6 चीजें सताती है, काम सताएगा, क्रोध सताएगा, लोभ सताएगा, मोह सताएगा, मद सताएगा, मात्सर्य भाव सताएगा। आप घर में आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं सताएगा, लेकिन जब जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए, क्यों आप देखते संसार में लोग बड़ी हंसी उड़ाते हैं, अरे इतने बड़े सिद्ध महापुरुष थे, स्त्री के चक्कर में फंस गए, अरे इतने बड़े महापुरुष थे, उनको धन का लोभ हो गया, नहीं हमारी कानों को विश्वास नहीं हो रहा है, वो तो बहुत पहुंचे महात्मा थे, वो कैसे फंस गए। विश्वामित्र जैसे महात्मा 3000 वर्ष की तपस्या करने के बाद में भी मेनका के प्रेम पाश में फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्यों फंसते हैं? क्योंकि जो जो साधक योग करेगा उसको ही ये शत्रु परेशान करते हैं, सामान्य व्यक्ति को, हारे हुए व्यक्ति को नहीं परेशान करते। हारे हुए व्यक्ति को ये सब परेशान नहीं करते। तो साधनों सज्जनों माताओं, इसको कहा गया अष्टांग योग। भगवान कपिल देवहूति माता से कहते हैं कि हे माता, मेरा एक दूसरा मार्ग भी है, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग निष्प्रिय भाव से अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। हमने निवेदन किया था कल कि भगवान की अहेतु की भक्ति करना, उसमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है। संसार में कुछ भी आए, सुख आए, दुख आए, आधि व्याधि ग्रसित हो जाए, सारा संसार शत्रु बन जाए, मीराबाई का परिवार उसका शत्रु है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा है, लड़ाई करते रहती है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। एकनाथ जी की पत्नी का देहांत हो चुका, नामदेव जी की पत्नी बड़ी सहचरी है और तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा है, लेकिन तीनों भक्ति करते हैं, तीनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। एकनाथ जी भगवान को धन्यवाद देते कि प्रभु तू कितना दयालु है, तूने ऐसी पत्नी दी मुझे कि जो मेरी, एकनाथ जी की पत्नी का देहांत हो गया, वो कहते प्रभु कितना दयालु, तूने मेरी पत्नी को छीन लिया, नहीं तो मैं इसके मुंह में पड़ा रहता, तेरा भजन नहीं कर पाता। नामदेव जी की पत्नी उनकी सहभागिनी है, सहचारिणी है, सहयोग करती है, हे प्रभु तू कितना दयालु है कि तूने मुझे ऐसी पत्नी दी जो मेरी सारी सहायता करती है तेरा भजन करने में, यदि ऐसी पत्नी तू मुझे ना देता तो मैं तेरा भजन कैसे कर पाता। तुकाराम जी की पत्नी झगड़ालू है, हमेशा उनसे लड़ती भिड़ती रहती है, तुकाराम जी कहते हैं कि प्रभु तू कितना दयालु, तूने मुझे ऐसी कर्कशा पत्नी दी, यदि तू प्रेम करने वाली पत्नी देता तो मैं उसके मुंह में पड़ा रहता, तेरा भजन नहीं कर पाता। परिस्थितियां तीनों की अलग अलग है, लेकिन तीनों की प्रार्थना एक है। ये होते हैं भक्त, कि कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आ जाए वो अपने इष्ट से कुछ मांगते नहीं, उनसे कोई शर्त नहीं रखते, उनसे कभी कोई उपालंब नहीं देते, उनसे कोई उलाहना शिकायत नहीं देते कि हे प्रभु मैं तेरी इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं तो मुझे ये दुख क्यों आता है। हम लोग तो थोड़ी सी भक्ति करते हैं, आधा घंटा पूजा करते हैं तो भगवान के सामने कॉलर ऊंची करके खड़े हो जाते हैं कि प्रभु मैंने इतनी भक्ति की है फिर मुझे दुख क्यों मिल रहा है। एक साधु मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी तो नभोवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि अरे साधु तेरी 50 साल की जो उपासना थी वो भगवान ने अस्वीकार कर दी, नामंजूर कर दी। मंदिर की सीढ़ियों पर वो साधु नाचने लगा, साधु नाचने लगा। किसी ने कहा कि अरे तुम्हारी 50 साल की उपासना को आकाशवाणी कह रही है कि ईश्वर ने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया और तुम नाच रहे हो। बोले मैं नाच इसलिए रहा हूं कि मैं 50 साल से करता था, उसको पता तो था, कम से कम उसको पता था कि मैं 50 साल से कर रहा हूं उपासना, मैंने तो निष्काम भाव से किया है।
मेरा तो यह भी आग्रह नहीं था कि उसको पता हो, लेकिन मुझे इस बात की आज प्रसन्नता है कि वो गिन रहा था। तो मेरा भक्त जो है सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी, ये पांचों प्रकार की मुक्ति की याचना नहीं करते हैं। बोले देह गेह में फंसे हुए व्यक्ति की गति कैसी होती है? कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये। भगवान कह